फेलर ऑफ द रिवॉल्ट, टुडे आवर टॉपिक फेलर ऑफ द रिवॉल्ट। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमारा जो रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट था वो फेल हुआ। नो डाउट द इंडियन लीडर वर ब्रेव, कि इंडियन लीडर जो थे बहादुर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहादुर थे, पेट्रियटिक थे, स्किलफुल थे, बट देवर नो मैच टू द इंग्लिश जनरल लाइक हेवलॉक कैम्बल। लेकिन वो बहुत ब्रेव थे, लेकिन वो इन लोगों की तरह, इंग्लिश लीडर जो जनरल थे उनके लोगों की तरह नहीं थे, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं थे ये लोग। देवर मोर एबल एंड एक्सपीरियंस, ये जो इंग्लिश ब्रिटिश जनरल थे बहुत ज़्यादा एबल थे और एक्सपीरियंस होल्डर थे। इन ऑल एरियाज द रिवॉर्ड वॉज सप्रेस्ड विद इन अ लिटिल ओवर द ईयर ऑफ इट्स आउटब्रेक, और इन्होंने बहुत कम टाइम में क्या कर दिया था, इसको तोड़ दिया था, जो रिवॉर्ड स्टार्ट हुआ था उसको बंद कर दिया था, ब्रेक लगा दिया था इस पर। मैनी रीजन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर, जो हमारा रिवॉर्ड था उसको फेल होने के उसके बहुत सारे रीजन्स हैं जो यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट रीजन है आपका, द एजुकेटेड इंडियन डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट इन जनरल, मतलब इसमें जो एजुकेटेड इंडियन थे उन लोगों ने क्या किया था, मूवमेंट में जनरली उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। द ऑर्गेनाइज ऑफ द रिवर वॉज वेरी पुअर, जो ऑर्गेनाइजेशन था रिवर्स का वो कैसा था, बहुत ज़्यादा पुअर था, बहुत गरीब था। नो डाउट दे वर ब्रेव, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो लोग बहादुर थे एंड सेल्फलेस, बट दे लैक यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिसप्लिन, उनके अंदर क्या है, यूनिटी की कमी थी। ठीक है, उनको मतलब एक ऐसा कोई कमांडर नहीं था जो उनको एक यूनिटी बना के रखे, उनके अंदर यूनिटी की और डिसिप्लिन की जो थी कमी थी, मतलब कोई यूनिटी नहीं थी उन लोगों के अंदर। अगर वो यूनिटी से वर्क करते तो वो कभी भी नहीं हारते। ऑल्दो द रिवॉर्ड वॉज वाइड स्प्रेड अमंग द पीपल, येट इट कैन नॉट बी डिनाइड that it not impact the entire country, it did not spread in the south india, most of the western india, because this reason has revolted earlier। ठीक है, मतलब इन लोगों ने जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया था वो बहुत मतलब फैला, लेकिन जो वो मोस्टली फैला था वो कहाँ फैला था, जो है कुछ एरियाज में ही, मतलब हमारी कंट्री के कुछ एरियाज में ही ज़्यादा फैला था, पूरे इंडिया में जैसे साउथ इंडिया में ये नहीं फैला था, द वेस्टर्न इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। तो इस वजह से क्या हुआ था, ये रिवॉर्ड इन लोगों ने बहुत जल्दी कर दिया था, मतलब एक प्री प्लानिंग कोई नहीं करी थी, एकदम से मतलब स्टार्ट कर दिया था। कुछ रीजन्स में तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया, लेकिन कुछ रीजन्स में ये नहीं स्टार्ट हो पाया था। इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, पटियाला, नवा एंड कश्मीर डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे जैसे ग्वालियर। ठीक है, ग्वाजियो भी हम सिंधिया की बात कर रहे थे ना, वो सिंधिया ग्वालियर का, मतलब सिंधिया जो था वो ग्वालियर का शासक था। ठीक है, ग्वालियर जो था वो सिंधिया के अंडर में था और वो झांसी का के पास में ही था। तो इन लोगों ने क्या किया था, रिवॉर्ड नहीं किया था, ग्वालियर ने रिवॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने झांसी की हेल्प नहीं की। अब जब झांसी की हेल्प नहीं हुई थी तो झांसी की हेल्प नहीं की थी इन लोगों ने। ठीक है, सिंधिया ने क्या किया, झांसी की जो ग्वालियर का था तो ग्वालियर भी जाके ही तो रानी लक्ष्मीबाई हार गई थी। ठीक है, अगर सिंधिया ने उनकी हेल्प कर दी होती जो ग्वालियर में थे तो झांसी लक्ष्मीबाई जो है वो जीत जाती। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे जो इन मतलब स्टेट्स के जो रूलर थे, इन लोगों ने क्या किया था, रिवॉल्ट नहीं किया था। अगर इन लोगों ने भी रिवॉल्ट कर दिया होता तो क्या होता, हम लोग जीत जाते। ओनली 1% ऑफ द रूलर टू पार्ट इन इट, कुछ रूलर्स ने ही इसे पार्ट लिया था, सभी रूलर्स ने क्या किया था, पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, कुछ लोग क्या थे, इनके जो ब्रिटिश रूलर थे ना उनके चमचे थे। ठीक है, वो उन्हीं की बात मानते थे, तो इसलिए ना इन लोगों ने, हमारे जो इंडियंस हैं उन लोगों का साथ ही था। हमारे इंडिया में आज भी यूनिटी की कमी है। ठीक है, और वो यूनिटी हमारे इंडिया में पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी क्या होता है कि लोग जात के पीछे झगड़ा करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के पीछे झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, यूनिटी की कमी आज भी नहीं है। अगर जैसे अब अगर पहले से ही हमारे यहाँ यूनिटी आ जाती तो हम लोग जीत जाते। ठीक है, द ब्रिटिश थ्रू देयर डिप्लोमेसी ऑफ डिवाइड एंड रूल प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर टू ज्वाइन टूगेदर फॉर अ कॉमन काउज, सम रूल सपोर्ट द ब्रिटिश सरप्राइजिंग द रिपोर्ट, जो ब्रिटिश लोगों ने जो रूल्स बनाए थे ना तो वो डिवाइड एंड जो रूल्स थे वो डिवाइड किए गए थे। तो जो इंडियन रूलर्स थे तो कुछ ने तो उनके रूल्स को मान लिया था, कुछ ने उन लोगों को रूल्स को ब्रिटिश रूल को सपोर्ट किया था, कुछ रूलर्स थे उनको सपोर्ट नहीं किया था। अगर सभी लोग उसको रूल को मतलब सपोर्ट नहीं करते और सब रिपोर्ट करते तो हम लोग जो है जीत जाते। मतलब कुछ लोग तो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, कुछ उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। द ब्रिटिश कुड गैदर इमर्स रिसोर्सेज टू सप्रेस द रिपोर्ट, शेयर ब्रेवरी एंड कॉरेज ऑफ द स्पाइस कुड नॉट बी अगेंस्ट द पावरफुल डिटरमाइंड द इनिमी, मतलब जो इन लोगों ने जो ब्रिटिश लोगों ने रिवॉल्ट किया था तो जो ब्रिटिश लोग थे ना ये बहुत ज़्यादा
ब्रेव थे, कुछ सिपाही जो थे बहुत ज्यादा ब्रेव थे तो उन लोगों ने क्या किया था, रिवॉल्ट कर दिया था, और कुछ जो पावरफुल लोग थे उन्होंने रिवॉल्ट करते थे, कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, उन लोगों ने रिवॉल्ट नहीं किया था, ठीक है। और कुछ हमारे देश के जो लोग थे जो हमारे शत्रु बने हुए थे, ठीक है, तो उन वो लोग किसके, जो ब्रिटिश लोग थे उनके बहुत ज्यादा लॉयल थे, उनके वफादार थे, तो उन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश लोगों का साथ दिया, हमारा मतलब जो इंडियंस के जो सिपाही वगैरह थे उन लोगों का साथ नहीं दिया था, ठीक है। तो ये भी एक मेन कारण रहा था जो हमारा ये रिवॉल्ट फेल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट, जो रिवॉल्ट था उसका क्या आउटकम आया, ठीक है, इसको हम मतलब क्या हुआ इस रिवॉल्ट के बाद में क्या हुआ, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।